तो दोस्तों इस वीडियो में लेकर आऊंगा आप सभी के लिए टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन और इस मोबाइल में आपको सब कुछ मिल जाने वाला है। आपके हिसाब से आप जो भी करना चाहते हो इस मोबाइल में, चाहे गेमिंग करना चाहते हो, चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, या फिर आप वीडियो एडिट ही क्यों नहीं करना चाहते, या फिर फोटोग्राफी, या फिर फोटो एडिट करना चाहते हो, या फिर मल्टीटास्किंग, या फिर इसमें काम करना चाहते हो, सब कुछ इस मोबाइल में होने वाला है विदाउट एनी हैंग। बिल्कुल भी ये मोबाइल हैंग नहीं करने वाला और ये मोबाइल बहुत ही लाजवाब लगने वाला है, बहुत ही फ्लेक्सी फीचर के साथ आएगा और बहुत ही प्रीमियम लुक के साथ आने वाला है। बहुत सारी कंपनियां बहुत सारी मोबाइलें लॉन्च की है और उन सभी मोबाइलों में से मैंने ऐसे टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन चुन के निकाले हैं, वो भी सिर्फ आपके लिए। तो ये वीडियो आप सब लोग पूरा देखना है और 2024 में आप अगर आप कोई मोबाइल लेने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही बेस्ट होने वाली है। पूरा वीडियो देखना, सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों हम ये टॉप 5 जो बेस्ट स्मार्टफोन है, हम लोग चलेंगे फिफ्थ मोबाइल से फर्स्ट मोबाइल की तरफ। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ मोबाइल के बारे में। जो हमारा फिफ्थ नंबर पे आता है वो मोबाइल है Honor X9B मोबाइल। ये बहुत ही अमेजिंग मोबाइल होने वाला है। इस मोबाइल में आपको 8GB और 12GB आपको रैम देखने को मिल जाएगा। स्टोरेज यहाँ पे आपको 256GB आपको स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बात करें इसके रियर कैमरा की, जो इसके बैक साइड कैमरा है उसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। जो मेन कैमरा है वो आपको 108MP का देखने को मिल जाएगा, उसमें उसके बाद आपको 5MP और 2MP का आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हम बात करें इसके बैक साइड पे आपको लेदर फिनिश देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से मोबाइल काफी ज्यादा प्रीमियम लगने लगता है। और फ्रंट साइड में आपको पंच होल कैमरा के साथ 16MP का आपको बढ़िया कैमरा देखने को मिल जाएगा, वो भी आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि 6.78 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले आपको मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से ये मोबाइल बहुत ही स्मूथ चलने वाला है। और ये जो मोबाइल है और इसका जो 108MP का कैमरा है, इसकी वजह से बहुत ही अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर लेता है, बहुत ही अच्छी ये फोटो भी क्लिक करके आपको दे देता है। इसका जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो है स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 गेमिंग चिपसेट लगा हुआ है। इसमें आप गेम खेल सकते हो भाई, चाहे आप बिजमाई गेम खेलो और चाहे आप कॉल ऑफ ड्यूटी गेम खेल सकते हो भाई, कोई भी गेम खेलो, बहुत ही स्मूथ चलने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे हम बात करें इसके बैटरी के बारे में, तो यहाँ पे 5800mAh की काफी बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो की कंपनी ये क्लेम करती है कि 3 दिन तक ये बैटरी चल जाएगी भाई। और सबसे लास्ट में यहाँ पे बता दे कि ये जो मोबाइल है वो 4nm पे बेस्ड होने वाली है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि मोबाइल काफी ज्यादा स्मूथ चलने वाला है। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने फोर्थ मोबाइल की तरफ। जो हमारा फोर्थ मोबाइल है वो है Z8 मोबाइल। ये काफी अंडर बजट मोबाइल होने वाला है, जो कि काफी लाजवाब फीचर के साथ आता है। इसमें आपको 8GB रैम देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 8200 का आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि सच में काफी लाजवाब ये प्रोसेसर होने वाला है। और दोस्तों रियर कैमरा की बात करें तो इसमें 64MP प्लस 2MP का डुअल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रंट कैमरा की यहाँ पे हम बात करें तो इसमें 16MP का आपको पंच होल कैमरा देखने को मिल जाएगा। और बैटरी की बात करें तो यहाँ पे 5000mAh आपको बैटरी देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आप मोबाइल से फोटोग्राफी करना चाहते हो, तो अगर आप कोई सस्ती मोबाइल चाहते हो तो ये मोबाइल आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाली है। और दोस्तों यहाँ पे बात करें इसके डिस्प्ले के बारे में, तो 6.64 इंचेस की काफी बड़ी डिस्प्ले आपको मिल जाएगी, वो भी LCD डिस्प्ले। और ये LCD डिस्प्ले के साथ साथ इसमें HDR+ का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, वो भी 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, जिसकी वजह से ये मोबाइल काफी ज्यादा स्मूथ चलने वाला है। और दोस्तों स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे 256GB स्टोरेज आपको मिल जाने वाली है। और सबसे खास बात मैं आपको बता दूं कि ये मोबाइल भी 4nm पे बेस्ड होने वाली है भाई। आप समझ नहीं सकते 4nm पे बेस्ट मोबाइल काफी ज्यादा स्मूथ चल सकते। और दोस्तों इसका जो फिंगरप्रिंट है वो आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाएगा। और दोस्तों ये जो मोबाइल मैं आपको बता रहा हूँ, इन सभी मोबाइलों का प्राइस और इसका जो लॉन्च डेट है वो सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे आप टेंशन मत लो भाई, मैंने रिलीज डेट और इसका प्राइस मैंने नहीं बताया, तो आप डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देख लेना, वहाँ पे सब कुछ मैंने डिटेल में लिख दिया है। और दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे खास बात आपको बता दूं कि किसी भी कंपनी ने मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं दिया है, जिसकी वजह से मैं किसी मोबाइल की तारीफ करूँ या किसी मोबाइल की बुराई करूँ, कोई भी स्पॉन्सरशिप मुझे नहीं मिला है भाई। मैं सब कुछ बता रहा हूँ जो भी मोबाइल में एक्चुअल में दिया है, जो मोबाइल कितना अच्छा हो सकता है, कितना बेकार हो सकता है, आपके लिए सही आपके नहीं, मैं सब कुछ एक्चुअल में बताऊंगा, या फिर आप निश्चिंत हो जाओ। और दोस्तों अब हम चलते हैं अपने थर्ड मोबाइल की तरफ। और जो हमारा थर्ड मोबाइल आता है वो है Xiaomi 14 Pro मोबाइल। सबसे पहले आप इस मोबाइल का लुक देख लो भाई साहब, कितना अमेजिंग और कितना प्रीमियम टाइप के मोबाइल लग रहा हो। ये मोबाइल सबसे फ्लेक्सी फीचर के साथ आता है,
सबसे पहले मैं इसके रैम के बारे में आपको बता दूं कि इसमें आपको 12GB रैम और 16GB रैम के साथ आपको ये देखने को मिल जाएगा। स्टोरेज की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 256GB, 512GB और 1TB आपको स्टोरेज देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं इसके रियर कैमरा की बात करूं तो यहाँ पे ट्रिपल कैमरा आपको सेटअप देखने को मिल जाएगा और जो तीन कैमरे इसमें बैक साइड में थे वो तीनों 50MP का देखने को मिल जाएगा। 50MP का तीनों कैमरा दिया हुआ भाई, 50MP, 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 आप इसे समझ सकते हो इसकी पिक्चर क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी आने वाली है। और यहाँ पे बात करते हैं इसका जो वीडियो रिकॉर्डिंग का रेजोल्यूशन, यहाँ पे बता दें कि आपको 8KP भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, वो भी 24fps के साथ, 4KP आप 30fps, 60fps भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे बात करें अगर 1080p भी आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 30fps, 60fps, 120fps, 240fps और 960fps भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप इस मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो इतना स्मूथ इसका वीडियो रिकॉर्डिंग होने वाला आप समझ नहीं सकते भाई। अगर आप वीडियो एडिट भी करना चाहते हो, कोई भी नॉर्मल वीडियो को स्लो मोशन में आप एडिट करना चाहते हो तो कोई भी फ्रेम ड्रॉप नहीं होने वाला। और दोस्तों इसके सेल्फी कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको 32MP का इसका फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा जो कि एक वाइड लेंस भी है जिसकी वजह से काफी अच्छी फोटो भी आपकी आ जाएगी। और दोस्तों इसके फ्रंट कैमरा से भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो 4K में भी आप 30fps के साथ 60fps भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो ये मोबाइल सिर्फ आपके लिए बना है, ये मोबाइल ले लो भाई। और यहाँ पे हम बात करें इसके बैटरी के बारे में, 4880mAh की काफी बड़ी बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों इसमें 120W का आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा जो कि कंपनी ये क्लेम करती है भाई कि 18 मिनट में ये मोबाइल 0 से 100% चार्ज हो जाएगा। और दोस्तों इसका जो डिस्प्ले है वो LTPO AMOLED डिस्प्ले इसमें दिया हुआ है, इसमें आपको 68 बिलियन कलर देखने को मिल जाएंगे जो कि आपका एक्सपीरियंस काफी अलग ही लेवल तक ले जाने वाला भाई ये मोबाइल। इसमें आपको 120Hz का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा और साथ में ही 3000 nits का आपको ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाएगा जो कि आप बाहर जाके अच्छे खासे धूप में भी बहुत ही इजीली ये मोबाइल चला सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और दोस्तों लास्ट में इसका जो फिंगरप्रिंट है वो आपको इन डिस्प्ले मिलने वाला है जिसके वजह से मोबाइल काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। और साथ ये मोबाइल साथ में बहुत ही फ्लैगशिप किलर ये मोबाइल होने वाला है। और इसका जो प्राइस होने वाला है, इसका जो लॉन्च डेट होने वाला है या फिर आ गया सब कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर जाके ओपन करके देख लेना। और दोस्तों जो हमारा फर्स्ट नंबर पे मोबाइल आने वाला है वो काफी ज्यादा लाजवाब होने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उससे पहले हम आते हैं अपने सेकंड नंबर जो मोबाइल है वो है iPhone 12 5G स्मार्टफोन। ये बहुत ही लाजवाब स्मार्टफोन रहने वाला है। यहाँ पे हम बात करें इसके रैम के बारे में, इसमें आपको 12GB रैम आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके हम प्रोसेसर की बात करें तो ये इंडिया फर्स्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाने वाला है जो कि सच में काफी ज्यादा लाजवाब है भाई। और ये जो प्रोसेसर है ये आपको 3nm पे बेस आपको मिलने वाला है, जो फैब्रिकेशन 3nm पे बेस मिल जाएगा जिसकी वजह से काफी ज्यादा स्मूथ ये मोबाइल चलने वाला है। और इसका जो अंततु स्कोर निकल गया था भाई वो 21 लाख है। अभी तक मैंने किसी का भी इतना बेंचमार्क अंततु स्कोर नहीं देखा था भाई। और दोस्तों यहाँ पे बात करें इसके रियर कैमरा, इसमें आपको बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, 50MP, 50MP प्लस 64MP। और जो 64MP का वो मैक्रो लेंस है भाई, आप उसे समझ सकते हो कि मैक्रो लेंस भी काफी अच्छी वाली डिटेल के साथ आपको फोटो निकाल के देने वाली है। और अगर दोस्तों आप अगर मोबाइल से फोटोग्राफी करते हो ये मॉडल आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाली है। और दोस्तों फ्रंट कैमरा की बात करें तो 16MP का नॉर्मल कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों बैटरी की बात करें यहाँ पे तो 5000mAh की काफी बड़ी आपको बैटरी देखने को मिल जाएगी। 120W का आपको फ्लैश चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा जो कि सच में काफी मजेदार चीज है। और दोस्तों इसके डिस्प्ले के बारे में हम बात करें तो 6.78 inches की काफी बड़ी आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, वो भी AMOLED डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे बात करें तो LTPO डिस्प्ले आपको मिलने वाले हैं जिसमें आपको 144Hz का रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। और यहाँ पे भाई साहब ब्राइटनेस नीट्स आपको 3000 मिलने वाला है, बहुत ही अच्छी खासी धूप में भी आप बहुत इजीली ये मोबाइल यूज कर सकते हो। और दोस्तों इसका जो प्रोसेसर है इंडिया फर्स्ट प्रोसेसर होने वाला है, जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 आपको प्रोसेसर मिलने वाला है। इस मोबाइल में आप भारी से भारी गेमिंग कर सकते हो भाई, चाहे BGMI खेलो, चाहे आप कॉल ऑफ ड्यूटी खेलो, या फिर गैंगस्टर आप गेम खेल सकते हो, या फिर कोई भी बड़ी से बड़ी ग्राफिक वाली गेम खेल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और दोस्तों अब फाइनल हमारा जो फर्स्ट नंबर पे हमारा मोबाइल आता है वो है Vivo X100 Pro 5G स्मार्टफोन। और ये स्मार्टफोन सच में काफी ज्यादा लाजवाब होने वाला है, इसीलिए मैंने इसको फर्स्ट नंबर पे रखा है। और दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करें इसके रैम के बारे में, आपको 12GB रैम आपको देखने को मिल जाएगा
जाएगा और 16GB आपको रैम देखने को मिल जाएगा। यहीं पे हम इसकी स्टोरेज के भी बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 256GB स्टोरेज, 512GB स्टोरेज और 1TB का आपको स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, जो कि सच में काफी ज्यादा और बहुत ही बड़ी स्टोरेज आपको मिलने वाली है। और दोस्तों इसके हम प्रोसेसर के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको MediaTek Dimensity 8300 का आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाने वाला, जो कि सच में काफी लाजवाब और बहुत ही तोड़ू फोड़ू वाला आपको प्रोसेसर मिलने वाला, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला भाई। और बैक साइड कैमरा, इसमें आपको 50MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका फ्रंट कैमरा जो है वो 30MP का फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि सच में काफी लाजवाब होने वाला ये मोबाइल। और दोस्तों इसका जो बैटरी वो 5400mAh का काफी बड़ी बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी। उसके साथ में आपको 100W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको मिलने वाला है। और दोस्तों इसके डिस्प्ले के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। LTPO AMOLED डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिलने वाली है। वही पे हम बात करें 120Hz का आपको रिफ्रेश रेट भी आपको मिलने वाला है और सच में 3000 nits ब्राइटनेस इसमें भी मिलने वाला है। तो दोस्तों आप बाहर कहीं भी जाओ आउटसाइड में भाई, इस मोबाइल को बहुत इजीली आप यूज कर सकते हो। और दोस्तों ये जो मोबाइल है सच में काफी ज्यादा लाजवाब होने वाला है, ये टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन होने वाले हैं। और दोस्तों बहुत सारे मोबाइलों के बीच में से मैंने आपके लिए 5 मोबाइल चुन के निकाले जो कि आपके लिए बहुत ही बेस्ट हो सकता है। अगर आप उसके साथ कोई भी गेमिंग करना चाहते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, वीडियो एडिट करना चाहते हो, फोटोग्राफी करना चाहते हो, नॉर्मल यूज के लिए भी चाहते हो, भाई कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। आप इसमें भारी से भारी चीजें यूज कर सकते हो, बड़ी से बड़ी ग्राफिक्स वाले वीडियो गेम खेल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। और दोस्तों यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये मोबाइल सच में फ्लैगशिप फीचर के साथ और बहुत ही प्रीमियम लुक के साथ आता है। इसका प्राइस और इसका लॉन्च डेट जो भी होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और दोस्तों अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों अगर आपका कोई भी दोस्त मोबाइल लेने के लिए सोच रहा है 2024 में, ये वीडियो आप उस दोस्त को जरूर शेयर करना भाई, उसको भी काफी ज्यादा मदद मिलने वाली इस वीडियो से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।